नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और आज इस शो में हम भरोसे के डोज की बात करने वाले हैं, यानी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की वो डोज जिससे विश्वास बढ़ा है। आज देश में वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है, जिसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। तो आज हम आपको भरोसे के डोज की हर खास तस्वीर दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम ने वैक्सीनेशन के दौरान नर्स से क्या सवाल किए। तो अगले 10 मिनट में देखिए भरोसे के डोज से जुड़ी हर जानकारी, हर तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद बूथ में पहुंचे। पीएम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फिर पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम को टीका लगाया। इस दौरान उनके साथ केरल की नर्स रोसम्मा अनिल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर साइन किए और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो वहां मौजूद नर्स से बातचीत कर रहे थे। पीएम को वैक्सीन लगाने वाली नर्स पी निवेदा को एन वक्त तक ये नहीं मालूम था कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वैक्सीन का डोज तैयार कर रही हैं। आइए जानते हैं उनसे प्रधानमंत्री ने क्या पूछा। सर जब शुरू शुरू में अंदर आए थे तो फिर सबको नमस्ते उनसे बोले तो अच्छा लग रहा था सर से मिलके। पहले हमें बताया नहीं गया था कि सर आ रहे। जब सर को देखे थे बहुत अच्छा लगा हमें और सर ने भी ऐसे अच्छे बातचीत करे हमसे। सर ने हमसे पूछताछ करे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो करके। तो फिर मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, मेरे साथ एक और मैडम थे रोसम्मा अनिल, तो वो केरला से थे। तो हम दोनों ने ही सर को वैक्सीनेट किया। तो फिर जब मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, सर ने तमिल में बोलने की कोशिश करे, मुझे वनकम बोले थे। उसके बाद सर ने ये भी बोला था कि कौन सा वाले सुई लेके आए, वो वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं। तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। उसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद सर को 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। सर को कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं, सर ठीक ठाक थे। सर जब निकलने को लगे फिर से हमें थैंक यू बोले थे। उसके बाद सर ने वनकम भी बोले थे एग्जिट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कोविड का बहुत सिलसिला चल रहा है देश में, अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो फिर इसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते हम। तो सर ने अपने आप को वैक्सीनेट करके ये साबित किया है कि ये वैक्सीन ठीक है, सेफ है। तो आगे जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं करके सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन सुबह 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन पीएम मोदी को सुबह 6:25 पर ही वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह थी पीएम के रूट से आम जनता परेशान ना हो और वैक्सीनेशन के तय कार्यक्रम में कोई रुकावट ना आए। 7 लोक कल्याण मार्ग से एम्स तक की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, लेकिन अगर पीएम के वैक्सीनेशन की जानकारी पहले से दी जाती तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम होते और पीएम के काफिले के लिए रूट तय होता, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी होती। वजह इसके पीएम मोदी अचानक एम्स पहुंचे और वैक्सीन लगवाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई, जिसे लेकर विवाद हुआ था और विपक्ष ने सवाल उठाए थे। वैक्सीनेशन के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए योग्य लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही पीएम ने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के असाधारण काम की प्रशंसा की। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीनेशन से पहले उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया और फिर टीकाकरण के लिए गए।
नीतीश कुमार ने पटना के IGIMS अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। उनके साथ साथ बिहार सरकार के दो मंत्रियों ने भी वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीनेशन के बाद नीतीश कुमार ने चुनाव में किया मुफ्त वैक्सीन का वादा दोहराया और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी आज वैक्सीन का पहला डोज लिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया और चेन्नई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उपराष्ट्रपति ने जानकारी दी और लोगों से इस अभियान में शामिल होकर टीका लगवाने की अपील की। वहीं मुंबई में JJ हॉस्पिटल में NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी कोरोना का टीका लगवाया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी भी है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी गई और अब दूसरे चरण में बुजुर्गों को दी जा रही है, लेकिन इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में क्या है, ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, पहला सवाल, किसको लगेगी वैक्सीन? इसका जवाब है 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिक या 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के बीमार नागरिक। अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी बीमारी है जिनमें 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। तो इसके लिए 20 से ज्यादा बीमारियों की लिस्ट जारी की गई है। अब आपको उनमें से कुछ गंभीर बीमारियों के नाम बताते हैं। इनमें डायबिटीज अगर ज्यादा परेशानी है तो, साथ ही अगर हाइपरटेंशन का इलाज चल रहा है तो, इसके अलावा HIV, थैलेसीमिया, एनीमिया, बोन मैरो, ल्यूकेमिया के मरीज, सांस संबंधी बीमारी है और अगर मरीज 2 साल में अस्पताल में भर्ती हुआ है तो, पिछले 1 साल में हार्ट, किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और इलाज जारी है, आखिरी स्टेज की किडनी बीमारी होने पर, पिछले 1 साल में हार्ट अटैक का इलाज हुआ है तो, या फिर कैंसर के मरीज हैं, तो 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दूसरे चरण में वैक्सीन लगेगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। दोनों वैक्सीन जो है वो सेफ है, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है जहाँ पे जो आपको मिल रही है आप वो लगाएं और वो दोनों सेफ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगे। देश में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है और टीकाकरण के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, अब ये आपको बताते हैं। सबसे पहले वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन ये भी जान लीजिए। आप cowin.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कॉमन सेंटर और सेवा केंद्र पर भी रजिस्ट्रेशन संभव है। आशा वर्कर भी रजिस्ट्रेशन करेंगी। अब सवाल आता है कि किन दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपको बता दें कि आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही वैक्सीन लगाने के समय आधार कार्ड जरूरी है, यानी टीकाकरण के वक्त आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, तभी वैक्सीन का डोज आपको दिया जाएगा। अगली डोज कब लगेगी, समय क्या होगा, वैक्सीनेशन से जुड़ी ऐसी सारी जानकारी SMS के जरिए आपको दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन 2.0 अभियान जारी है। इस चरण में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बार सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल रही है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां सुबह से ही 60 की उम्र से ज्यादा के बुजुर्ग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। आधार कार्ड दिखाकर सभी को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई और दूसरी डोज की तारीख भी बता दी गई है। गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल यशोदा अस्पताल में हूँ और यहाँ की तस्वीरें देखिए, तमाम जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, इनको कोई अगर किस तरह की दिक्कत है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसके बारे में समझाते हुए तमाम लोग हैं। जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। देयर आर अदर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स व्हिच गिव योर नेम, एड्रेस एंड आइडेंटिटी। मैडम, आपने टीका लगवा लिया? यस। किसी तरह का डर संशय? नहीं, कुछ भी नहीं, अदरवाइज थर्ड नंबर पे आती क्यों? कोरोना से बचने का उपाय क्या है?
यही एक उपाय है। अगर आप कराते हैं तो अकलमंद है, नहीं कराते तो बेवकूफी है। मुंबई में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते दिखे। इस दौरान कई लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी भी हुई, जिसे लोगों ने वैक्सीन सेंटर में पहुंचकर दूर कर लिया। आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया? नहीं, ऑनलाइन तो हुआ नहीं, नहीं हो पाया। आपने कोशिश की थी? हाँ, कोशिश की, अभी भी की है, लेकिन नहीं होता। उसका खाली पासवर्ड पूछता है डायरेक्टली। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन अब वी कैन गेट द पासवर्ड। आंटी, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, मोबाइल से किया, घर से मोबाइल से। आपने कर दिया? आपने किया, बच्चों ने किया? नहीं, मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा अच्छा, अभी नंबर आपका अभी बताएंगे कब आएंगे? वो लोग बताएंगे, अभी बताया नहीं है, बोले आपको बुलाएंगे, ऐसा बोल। नागपुर में भी वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी लाइन देखी, लेकिन नागपुर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोविड 19 टीकाकरण प्रक्रिया कोविन पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते देरी से शुरू हुई। एक्चुअली हम लोग रजिस्ट्री कर दिया है, वो लोग आधार कार्ड नंबर और फोन नंबर से नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिए, पर अभी बोल रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच कुछ है, तो इसीलिए सर्वर डाउन है, वो लोग वो ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। देश के तमाम शहरों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों का सुबह से ही अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया था, लेकिन एक साथ बड़ी तादाद में cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की वजह से कई जगह दिक्कत भी आई। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए बेंगलुरु के बोरिंग अस्पताल को सेंटर बनाया गया है, जहां लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वैक्सीन की डोज भी ले सकते हैं। बोरिंग अस्पताल में आज सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। जहां एक ओर कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को सुबह सुबह वैक्सीन लेते देख कुछ बुजुर्ग भी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे और कहा कि मन में जो भी शंकाएं थी वो अब दूर हो गई। और प्राइम मिनिस्टर आल्सो टुक दी वैक्सीन डिमांडिंग, इसलिए हम ये बोरिंग हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और बैंगलोर में दिस इज वन ऑफ दी बिगेस्ट हॉस्पिटल, सो आई केम हियर फॉर दी वैक्सीनेशन। भारत का प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस है, इसलिए वी हैव आई हैव नो फियर। अस्पताल में वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल प्रशासन ने अलग अलग कई रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए थे, जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहे।